राम राम किसान भाइयों, चीपा बड़ौद लहसुन मंडी का भाव जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द से जल्द वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो सर, उसमें हम लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। अब जैसे मैंने पीछे बोला कि अभी बोला कि 150 से 200 पे आते ही विदेशी माल आएंगे, ये मैं डरा नहीं था। इसमें बता रहा हूँ कि इस लेवल पे आते ही खतरे बढ़ जाएंगे, जिसमें व्यापार करने का खतरा या आप लहसुन नौकरे का खतरा बढ़ेगा। तो हमारे को धीरे धीरे उस खतरे को भी अगर यूज करना है तो कहना भी चाहिए, यूज करना नहीं कहना भी चाहिए। जब 100 से 150 पे अपना लहसुन बिक रहा है, अपने को पैसा भी मिल रहा है, लागत भी निकल गई, पैसा भी मिल रहा है, फिर भी हम चाहते हैं कि हम एंड तक बैठे, तो बैठिए, क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं। लेकिन उस उतरे पे बैठिए कि अपने को कल को दिक्कत आए तो अपने को ये ना हो कि सामने लोगों को गालियां देने की नौबत आ जाए, क्या उसके कहने में धोखा। तो ये बात है, मतलब जितनी लागत लग गई उतना तो बेच देना चाहिए किसान भाई को, उतना बेच लो, उससे ज्यादा बेच लो, उससे ज्यादा बेच लो, 20-30% का रिस्क उठाओ। एक एक सवाल ये भी किसान भाई होगा, क्या कि भाव रहने वाला है या नहीं रहने वाला, थोड़ा मतलब बढ़ेगा या घटेगा जो भी है? किसका? लहसुन का। सर लहसुन तो अब ये बताओ, किसी को उम्मीद थी होली से पहले कि लहसुन अभी इस लेवल पे दोबारा आ जाए? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी। अभी जैसे डाउन जा रहा था, एक माहौल बनाया हुआ था कि वो डाउन जाएगा, जैसे अभी मार्केट डाउन हुआ ना, भेड़चाल में नहीं पड़ी है। किसान भाई भेड़चाल में घबरा के एकदम से फेंक देता माल और एकदम से रोक देते हैं, भेड़चाल में नहीं चली है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, धीरे धीरे लहसुन को चलते रहो, चलाते रहो। जब आप 20-30% पे सीमित हो जाएंगे ना, तो फिर आप भेड़चाल में ऑटोमेटिकली नहीं रहे, आप अपने आप ही उस धारा में जुड़ गए जो व्यापारियों की धारा है, आप ऑटोमेटिकली उसमें आ गए। जब आप इस चीज को समझने लग जाओगे ना, जिस दिन से कि हमने भेड़चाल में नहीं जाना, अपने को इस गांव में 60% माल निकालना है, 30-40% माल आराम आराम से बेचना है, तो ऑटोमेटिकली आप उस धारा में आ गए जो भेड़चाल वाली धारा से निकल गए। ठीक है, चलो सर, ये तो ये बात होगी अपने किसान भाइयों की, और व्यापारी भाइयों के लिए क्या बोलना चाहते हो? जैसे बहुत से व्यापारी भाइयों को फोन आते हैं, भैया स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो स्टॉक वालों के लिए क्या बोलना चाहते हो? सर देखिए, स्टॉक की पोजीशन जो है सर, ये लेवल बहुत खतरनाक है ना, तो इसमें बहुत संभल के एंट्री करेगा। अभी एक डाउनफॉल हो सकता आएगा, एक माहौल बन रहा है, जब वो आए तब उस टाइम घुस जाइए, है ना। अब हम कहें कि घुसने का टाइम था होली में, तो 100 में से सिर्फ 20% लोगों ने हिम्मत की है घुसने की, 80% लोग नहीं घुस पाए। तो कोई कहे जी मैं तो, मेरे को तो पता था, तो ये बेकार की बात है। वो हिम्मत 100 में से 20 को ही मिली। तो आदमी जब डाउन आए, सिंपल सा फंडा है व्यापार का, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं नहीं, लेकिन जो सीखने को मिलता है, रोज सीखने को मिलता है, सिंपल सा फंडा है, जब डाउन हो आदमी घुसे मार्केट में, तेजी हो, ज्यादा लालच ना करके निपटाता चले, तो जब वो मुनाफा जेब में आएगा ना सर, जैसे अभी मैं एक हाथी के पास बैठा था अभी 1-2 घंटे पहले, वो हाथी समझ लो, वो अभी मुस्कुरा पड़ेंगे कि मैं हाथी किसको बोल रहा हूँ। तो उनके पास माल था, उस लेवल का माल था कि उस माल में सिर्फ 5 दिन में उनको एक बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा था। तो उन्होंने कहा यार इस टाइम ये पोजीशन हो रही है। मैं कहा इस मुनाफे को तो मेरे ख्याल से भुनाना चाहिए, क्या मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं कहा उससे होगा क्या, और कुछ नहीं होना। अब जो उसके बाद आप गेम खेलोगे वो उस मुनाफे की खेल रहे हो, अपनी पूंजी तो साइड ले ली, तो अब जो मुनाफे की गेम खोलोगे खुल के खेलोगे, रिस्पेक्ट रहेगी नहीं ना, पूंजी तो अपने अंदर आ गई, तो मुनाफे की गेम खेलो, मुनाफे से हमेशा गेम खेलो। बहुत बहुत धन्यवाद खुराना जी आपका, आज जाके पता चला है आपका नाम, पहले किस नाम से जानते थे आपको, वो नाम भी बता दीजिए। राजू लहसुन वाले के नाम से पहले भी जानते थे, अभी भी आपको, आपके राजू लहसुन वाले से ही सब जानते हैं, आपको भी पूरा नाम से कोई नहीं जानता, आपको जानते सिर्फ खुराना की, खुराना बस, किसी को भी मतलब ये मान के चलो बहुत कम को पता होगा आपका पूरा नाम, सब ज्यादातर जानते खुराना जी के नाम से। ठीक है सर, जिस भी नाम से, मेन मकसद है लोगों की सेवा करना, सही है सर, जिस चीज से हम रोटी खा रहे हैं उस चीज के लिए अपनी ईमानदारी से, अपने धर्म को आगे रखते हुए उस चीज को ईमानदारी से सबके आगे रखना, बस ये मकसद है सर हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद खुराना जी आपका।
किसान भाइयों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अथवा लहसुन से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए कमेंट करें।